हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 6.2। हमने 6.2 का एक्सरसाइज 1 ए क्वेश्चन नंबर ए का दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, रिड्यूस द फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन दिए है, उसको हमें रिड्यूस करना है। इसका मतलब है इसको छोटे से छोटे स्मॉल बनाने का है। तो यहाँ पे 8/24 है, तो 8 के टेबल में 24 आता है। तो दोनों जिसे डिवाइड कर सकते हैं उसे हमें डिवाइड करना है कि दोनों के बीच में एक कॉमन होना चाहिए। तो 8 है, 8 1 8 है, और 8 3 24। तो दोनों के 8 कॉमन है, 8 का टेबल तो 1/3। तो इसका रिड्यूस फॉर्म क्या आया, 1/3, और HCF आया 8, क्योंकि दोनों को 8 से डिवाइड किया जा सकता है। फिर सम नंबर 2, 16/32। तो देखो इसमें भी 16 का टेबल कॉमन है, 16 1 16, 16 2 32। तो ये हो गया 1/2। तो HCF क्या आया, 16। यहाँ पे 75/105। फिर आप जानते हो कि 15 का टेबल, 15 से दोनों को डिवाइड किया जाए, क्योंकि 15 के टेबल में दोनों आता है, 75 and 105। ठीक है, तो 15 5 75, 15 7 105। तो 5/7, और HCF क्या आया, 15। अब 65/104। तो इसको 26 का टेबल है, वो दोनों को 26 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 26 4 और 26 5। तो ये हो गया 4/5। तो HCF इक्वल 26, जिसे दोनों को डिवाइड किया जा सकता है वो इसका HCF होगा। फिर यहाँ पे है सम नंबर 6, 16/18। ये तो एकदम इजी, आप सबको मालूम है कि 16 और 18 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 8 16, 2 9 18, तो 8/9। तो HCF क्या आया, 2। ऐसे ही सम नंबर 7, 64/80। तो हम जानते हैं कि दोनों कौन के टेबल में आते हैं, 16 के टेबल में। तो दोनों को हम 16 के टेबल देखेंगे, तो 16 4 64, 16 5 80। तो क्या आया, इसका रिड्यूस फॉर्म क्या आया, 4/5, और HCF क्या आया, 16। अब आपको समझ में आ गया कि सम कैसे किए जाते हैं। दोनों को एक ही टेबल से, एक ही डिजिट से डिवाइड हो सकता है, उसको इसका रिड्यूस फॉर्म बोलते हैं। अब सम नंबर 8, 72/108। ठीक है, तो दोनों को कौन से टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 36 2 72 होता है, तो अब तो 72 डिवाइड बाई 36, तो क्या आ गया, 2। 36 2 72। अब हम 108 है, तो 108 को भी 36 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। इसका मतलब है 36 3 108। तो HCF इक्वल क्या आएगा, 36। ये हो गया सम नंबर 8। अब हम करेंगे सम नंबर 9। सम नंबर 9 है 84/98। तो आप जानते हो, आपको सोचने का है कि कौन से टेबल में 84 और 98 दोनों आते हैं। तो कौन से टेबल में आते हैं, 14 के टेबल में। तो 14 6 84, 14 7 98।
तो दोनों को हमने कौन से टेबल से डिवाइड कर दिया, 14 के टेबल से। तो दो तो जो कॉमन आया उसे एच सी एफ बोलते हैं, तो वो है 14। तो इसका 84/98 का एच सी एफ क्या है, 14, क्योंकि 14 सिक्सा 84, 14 सेवनसा 98। अब यहाँ पे आता है सम नंबर 10, 231/312। देखो ये बड़ा है, तो हम क्या सोचना है कि हमें ये कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें लास्ट में वन है ना, तो 3 और 9 दोनों से हम डिवाइड करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे 3 से डिवाइड किया, तो 3 7 21, तो 23 में से 21 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ऊपर से आया 1 तो 21 बाकी रहेगा। तो दूसरी बार 3 7 21, तो ये हो गया 77। अब एक को हमने डिवाइड किया है, तो दूसरों को अभी 3 से डिवाइड कर सके देख सकते हैं। तो 312 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 3, फिर नीचे आया 1, 3 में से 3 डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 0। फिर इसके बाद कौन सा डिजिट है, 1, तो 1 नीचे आया, तो 1 स्मॉल है 3 बिग है, तो इसे डिवाइड नहीं होगा, तो हम वहाँ पे 0 रख देंगे और नीचे 2 डिजिट नीचे लाएंगे, तो 1 और 2 तो 12 हो गए, तो 3 4 12। तो यहाँ पे आया 3 से डिवाइड करने से आंसर आया 104। तो दोनों 3 से डिवाइड हो गए ने, तो एच सी एफ क्या है इसका, 3, और आंसर क्या आया, 77/104। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लास्ट में 1 देखते, तो मैं सोचने का है कि कौन से टेबल में 1 लास्ट में आता है, तो इसमें एक 9 है और एक 3 है। तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 3 से डिवाइड करके हमने देख लिया तो हो गया 3 से डिवाइड, तो इसका एच सी एफ है 3 और आंसर है 77/104। अब सम नंबर 11, 128/256। तो 128 टू जा ही 256 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 128 टू जा 256 हो गया, तो दोनों को 128 से डिवाइड किया, तो 128 1 128 2 256, तो 1/2 आंसर आया, और इसका एच सी एफ क्या हो गया, 128। अब सम नंबर 12 एंड लास्ट, 150/240। तो 150 डिवाइड बाय 30 एंड 240 डिवाइड बाय 30, क्योंकि 32 150 होता है ना, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, देखो 15 आता है और 24 भी आता है। ठीक है, तो इसे 0 लग गया है, तो 0 लग, तो हमें भी 3 पे 0 लगा देंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 टेबल में 35 150, क्योंकि 3 5 150 होता है ना, तो यहाँ पे 35 0 आगे है इसीलिए, तो इसमें पर 34 38 240, क्योंकि 3 8 24 होता है, उस पर 0 लगा देने का है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करने का है। तो यहाँ पे क्या है, 30 से दोनों को हमने डिवाइड किया है, तो 5/8 आंसर आया, क्योंकि 13 5 150 एंड 13 8 240, तो दोनों को 30 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 5/8 आंसर आया।
और उसका HCF क्या आया 30। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर बी हमने फिनिश कर दिया है। आगे फिर करेंगे, आपको होमवर्क की नोट में और मैथ्स की नोट में लिखने का है। थैंक यू।